मंत्री जी, परमार लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले थोड़ा ये बताइए कि ट्रिपल तलाक पर राज्यसभा में आपकी संख्या कम है और आपकी जो सहयोगी पार्टी है जदयू, आपका ये दामन छोड़ दी है, इसमें क्या कहेंगे? मुझे पूरा विश्वास है ये महिला उत्पीड़न के खिलाफ ये विधेयक है ट्रिपल तलाक। जो लोग महिला उत्पीड़न के विरोध में रहेंगे वो निश्चित इसे पास कराने का काम करेंगे। लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी तो आपके साथ नहीं रहेगी जदयू। देखिए, सदन के अंदर देखा गया, राम मंदिर पर क्या कहेंगे? राम मंदिर पर क्या कहना है? राम मंदिर पर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि कोर्ट के निर्णय के बाद हम कुछ आगे का कदम रखेंगे। लेकिन लगता है कि न्यायालय के आदेश आने में विलम्ब हो रहा है, इससे हम लोग पर कोई पत्र नहीं। मेरा मानना है कि देश के 100 करोड़ हिंदू जिस दिन जगेंगे प्रभु श्री राम के सामर्थ्य के साथ, पुरुषार्थ के साथ, उस दिन राम मंदिर बनेगा। ये मेरा पूरा मानना है। 1963 में हजरत साहब का बाल खो गया और पूरे देश में राजनीतिक भूकंप आ गया, और राजनीतिक भूकंप आने के बाद वहां के हिंदुओं का जीना दुर्लभ हो गया था कश्मीर, और कांग्रेस की सरकार थी, कहां से खोजा एक ये विवाद का विषय है, लेकिन जब मिल गया तो अमन चैन शांति आया। मैं मुसलमानों को धन्यवाद देता हूं, जज्बा को सलाम करता हूं, आस्था के प्रति। जिस दिन भारत का 100 करोड़ हिंदू इस अपने प्रभु श्री राम की आस्था के साथ जगेंगे उस दिन मंदिर। राफेल मुद्दा पर राहुल गांधी हमेशा अटैक कर रहे हैं। अब कोई आदमी, मैं कहूं कि राहुल गांधी मेरा 2 लाख रुपया ले लिया है और मैं अड़ा हूं, मेरे पास कुछ सबूत न रहे, तो मुझे कोई बोलने से तो रोक नहीं सकता। राहुल गांधी में अगर हिम्मत है तो सबूत के साथ आए, अगर थोड़ी सी भी मर्यादा है पार्टी की तो सबूत के साथ आए। नौटंकी पार्टी मत बनाएं, कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी।